क्वेश्चन पूछा गया है क्षमा धीमान की तरफ से। मेरे बीए में संस्कृत फिलोसफी और होम साइंस सब्जेक्ट थे, बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट पंजाबी और एसएसटी था, एडिशनल सब्जेक्ट कौन सा दूं? बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसीलिए इतनी वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बीएड और बीए करने के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट टीचिंग के लिए, जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ऐसे केस को सभी को ध्यान से देख लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया है, दूसरा कलर ले ले, हाँ, संस्कृत है, बीए में फिलॉसफी है, होम साइंस है। अगर ये तीन तीन साल पढ़ी हुई है, इनको चाहिए था कि ये होम साइंस, अगर पंजाब के हैं तो होम साइंस ले लेते बीएड में, लेकिन इन्होंने बीएड में होम साइंस नहीं लिया। अगर बीएड में होम साइंस ले लेते तो ये बीएड के लिए, टीजीटी के लिए, बाकी कंडीशन अलग से, वो गवर्नमेंट जॉब पर अलग से वीडियो होगा, तो ये क्लियर एलिजिबल होने थे। अब इन्होंने एसएसटी लिया है, एसएसटी के लिए बीएड में एसएसटी लिया है, तो एसएसटी के लिए एनसीटी भी कहती है मिनिमम टू सब्जेक्ट, जो सोशल साइंस की 13 उन्होंने लिस्ट दी हुई है उनमें से पढ़े हुए होने चाहिए। और पंजाब गवर्नमेंट के नॉर्म्स एनसीटी के नॉर्म से थोड़े डिफरेंट है, उसको समझ लीजिए। अगर सीधा इसका आंसर चाहिए आपको, तो जो स्कूल सब्जेक्ट हैं चार, यह मैं दिखा ही देता हूं आपको कि एसएसटी का कॉम्बिनेशन इनका कैसे बनना था। इनको फिलॉसफी के बेस पर पंजाबी या पंजाब यूनिवर्सिटी ने एसएसटी करवा दी होगी, तो फिलॉसफी लिस्ट में है एनसीटी के, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की लिस्ट में वो है ही नहीं। ओके, तो ये लिस्ट है एनसीटी की 13, जो सोशल साइंसेज हैं इनमें से कोई दो पढ़ी हुई होनी चाहिए तो आपकी बीएड होएगी, लेकिन इनमें से भी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पंजाब में और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ रिलैक्स कर देती है कि अगर इनमें से कोई एक आपने पढ़ा है तो आपको टीचिंग ऑफ एसएसटी करवा दिया जाएगा, जैसे कि आपको करवा दिया गया यहां पर। अब गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो पंजाब गवर्नमेंट ने जॉब निकालनी है, उनके क्राइटेरिया क्या हैं, उनके क्राइटेरिया ये जो ग्रीन वाला है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड हरी झंडी जो है, तो ये क्यों है, क्योंकि ये स्कूल सब्जेक्ट हैं। जब आपने टीजीटी में 6th से लेके 10th तक टीच करना है, तो एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के पोर्शन आपको टीच करने हैं। दैट इज वाई ना ही एनसीटी ना ही कोई और स्टेट इसको इग्नोर कर सकती है। तो आपका आंसर है कि आपने एडिशनल सब्जेक्ट कौन सा करना है, नेचुरली आप इनमें से प्रेफर करें। आगे भी पंजाब गवर्नमेंट ने यह कहा है और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा है कि अगर आपने इनमें से सोशल साइंस कोई पढ़ी हुई है, मिनिमम वन इनमें से एक जरूर पढ़ा हो। और सीबीएसई जैसे केंद्रीय विद्यालय, उन्होंने वो तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की ही ऑप्शन दे रहे हैं, दैट इज वाई मैंने फर्स्ट सेकंड पर रखा है। और पंजाब गवर्नमेंट भी कहती है कि इनमें से एक आपने पढ़ा हो। तो जिनका धीमान साहब का ये क्वेश्चन है, तो आप प्रेफर कीजिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनमें से एडिशन कीजिए। अब इनमें से कौन सा चूज करें, कौन सा बेस्ट है? हिस्ट्री को टॉप पर क्यों रखा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं, इजीली हर यूनिवर्सिटी करवा देती है। सेकंड रैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट में अब आपने एडमिशन लेनी है, जॉब करनी है, तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। दैट इज वाई आपके लिए सीधा सुजेशन जो है हिस्ट्री बन रहा है। और दूसरा सुजेशन जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, करना ईजी होता है, वो पोलिटिकल साइंस है। तो इन दोनों को आपको करना पड़ेगा, क्योंकि फिलॉसफी पंजाब गवर्नमेंट की लिस्ट में है ही नहीं, ये गलती हो गई है। अब आपको एसएसटी के लिए एलिजिबल होने के लिए मिनिमम 2 सब्जेक्ट के एडिशनल देने होंगे, क्योंकि एसएसटी बीएड में आपने पेडागोजी का सब्जेक्ट से टीच लर्न अपना पास किया हुआ है। तो इनमें से 2 आप, मैं से ये सुजेस्ट करूंगा कि आप हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, मैं हिस्ट्री जरूर सुजेस्ट करूंगा हिस्ट्री करने से आप, क्योंकि अगर सीबीएसई की पोस्ट निकलती है तो उसके लिए भी एलिजिबल होगे। तो मेरा डायरेक्ट, अगर आप मेरा सगा रिश्ता होता तो मैं यही कहता कि हिस्ट्री की ही आपने एडिशनल देना है। और
दूसरा है, कोई भी इनमें से चूज करना है वो आप पॉलिटिकल साइंस भी चूज कर सकते हैं। सोशियोलॉजी इजी है लेकिन स्कूल सब्जेक्ट नहीं है। अगर एमए जो इनमें से अगर कोई आप करना चाहते हो दूसरा, उसको आपको प्रेफर करना चाहिए, उसके बाद आप एसएसटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये इन्होंने पंजाबी बीएड में कर ली है, लेकिन यहां पर बीए में इलेक्टिव सब्जेक्ट कहीं भी नहीं लिखा, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इट मीन्स इन्होंने को जनरल पंजाबी के बेस पर बीएड में ये करा ली गई है, लेकिन इलेक्टिव पंजाबी के बिना आपको पंजाब गवर्नमेंट एंटर नहीं करने देगी। दैट इज वाई दूसरा तीसरा सब्जेक्ट आपको बीएड बीए में एडिशनल करके इलेक्टिव पंजाबी करके आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हो। कारण क्या है कि बीएड में आप दोनों ही कर चुके हो जिनकी पोस्ट निकलती है, तो आपका सजेशन बन रहा है हिस्ट्री आपका मस्ट है, उसके साथ दूसरी सोशल साइंस पॉलिटिकल जहां कोई और जो आप एमए में प्रेफर करना चाहते हो वो ले सकते हो, और आपका इलेक्टिव पंजाबी का 3 साल के ये पेपर होंगे और ये ए बी 3 सालों के होके पेपर 6 पेपर होंगे, एक ही महीने में हो जाते हैं। विमान साहब के लिए एक और सजेशन है कि आप बीएड का भी पेडागोजी ऑफ होम साइंस दे सकते हो, फिर आप होम साइंस के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो, क्योंकि पिछली जॉब जो टीजीटी मास्टर कैडर की निकली है उनमें होम साइंस की जॉब निकली है, तो आपको वो भी दे देना चाहिए। ग्रेजुएशन में अलग चलेगा, बीएड में अलग चलेगा। अगर सेम यूनिवर्सिटी में कर रहे हो तो दोनों इंक्वायरी नंबर पर पूछ लेना कि हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो आपको कर लेनी चाहिए। और कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। एक वीडियो गवर्नमेंट जॉब, पंजाब गवर्नमेंट जॉब के जो नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं, सब्जेक्ट वाइज वेरिएशन है, उस पर वीडियो आएगा। और डिफरेंटली क्योंकि सब्जेक्ट के डिफरेंट होने से नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट वीडियो आएगा। जनरल वीडियो गवर्नमेंट जॉब का, पंजाब गवर्नमेंट का अलग से आएगा। देख सकते हैं डॉक्टर तीरथ सिंह लर्न टू एक्चुलाइज। थैंक यू।